ओम शांति। अमृत वेले, एक शब्द को याद करें। मैं कौन? मैं विदेही आत्मा हूं। विदेही शिव परमात्मा का बच्चा हूं। मैं परमात्मा शिव बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी आज्ञाकारी और सद्गुरु के रूप में भी आज्ञाकारी। मैं तीनों ही रूपों में बाबा का आज्ञाकारी हूं। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य में आज्ञाकारी। बाबा की आज्ञा के प्रमाण चलने से किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। हर समय मनसा संकल्प, वाणी और कर्म तीनों में बाबा की आज्ञा पर चलने वाला मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो परमात्मा आज्ञा पर चलने से अब सोचने की भी आवश्यकता नहीं। सोचने की भी मेहनत नहीं। मेरा बाबा से सबसे पहला वायदा है, बाबा यह तन मन धन जो भी है सब आपका है, सब आपको अर्पण है। तन मन धन और सम्मान सब आपका।
जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा कुछ नहीं। मेरापन समाप्त। तन मन धन जन सब बाबा के हवाले कर दिया तो अब यह मन भी बाबा का हुआ। मन भी मेरा नहीं। जब मन बाबा को दे दिया तो यह मन भी बाबा की अमानत है। बाबा की आज्ञा अनुसार यह तन भी बाबा की अमानत और मन भी बाबा की अमानत। इस तन को बाबा जैसे चलाए इस तन द्वारा जो सेवा कराए न तन मेरा है न मुझे बॉडी कॉन्शियस है। सब कुछ तेरा। मन में जो भी संकल्प चले वह भी बाबा को समर्पित। अब तो संकल्प भी बाबा की आज्ञा अनुसार मन में सदा पॉजिटिव सोच शुभ भावना के संकल्प जब मन मेरा नहीं बाबा का है तो मन में एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं। मन में सिर्फ एक सर्वसमर्थ बाबा बसा हुआ है। मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। मैं बाबा का बेहद प्यारा समीप बच्चा हूं।
मैं बाबा के समीप हूं, मैं बाबा का आज्ञाकारी हूं, मेरे पास जो कुछ भी धन है वह भी बाबा की अमानत है। ईश्वरीय सेवार्थ है। धन भी बाबा का और सर्व संबंध भी बाबा से। मेरे सर्व संबंध एक विदेही बाबा से है। सभी लौकिक अलौकिक संबंध निभाते एक अविनाशी संबंध की स्मृति। एक बाबा को अपना संबंधी बनाकर अब दिल से एक ही शब्द निकल रहा है, बाबा बाबा। ऐसे ही बाबा का आज्ञाकारी बन, बाबा को अपने दिल में बिठाकर परमात्मा समीपता का अनुभव करते रहे। ओम शांति।